स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल ईडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं साइंस बायोलॉजी का। हम पढ़ रहे थे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको 30 इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स के नाम बताए। हेयर वी आर विद आर नेक्स्ट वीडियो। इस पार्ट में हम 40 के आसपास इन्वेंशंस या डिस्कवरीज कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि हमें इस टॉपिक की फर्दर वीडियो बनाने की ज़रूरत है या हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे। वाइटमिन्स के बारे में बात करें तो डिस्कवर कि क्या वाइटमिन्स को कैसिमीर फंक ने, जिन्हें हम फादर ऑफ वाइटमिन्स के नाम से भी जानते हैं, और 1912 में ये डिस्कवरी हुई। और इन द सेम ईयर 1912 में ही हॉपकिंस ने वाइटामिन ए को डिस्कवर किया। ठीक है, कैसिमीर फंक ने जो बेसिक जनरल टर्म वाइटामिन है, जनरल कॉन्सेप्ट है वाइटामिन्स का, वो डिस्कवर किया था। फिर विटामिन ए की डिस्कवरी अगर हम देखें तो वो हॉपकिंस ने की। देन कम्स एंटीजन। एंटीजन की डिस्कवरी की माइकल हैडलबर्ग एंड ऑसवर्ल्ड अवेरी ने इन द ईयर 1920। ठीक है, देन अगर हम बैक्टीरियाज़ की बात करें तो बैक्टीरियाज़ की डिस्कवरी जो थी वो की ए वी ल्यूनहॉक, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ये डिस्कवरी हुई इन द ईयर 1676। और जब ये डिस्कवरी हुई तब टर्म बैक्टीरिया नहीं मिली थी, तब जब डिस्कवरी की गई तब इसे नाम दिया गया एनिमलक्यूल्स। ओके, क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ सकते हैं। देन कम्स टीबी बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ जिस बैक्टीरिया की कारण होती है, साइंटिफिक नेम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिस्कवरी की डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 में। देन बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कैमिलेट ग्यूडिन इसकी फुल फॉर्म है। इस वैक्सीन को इन्वेंट किया एल्बर्ट कैलमिटी एंड कैमिली ग्यूडिन में। और इस पर्टिकुलर वैक्सीन को डेवलप करने में 13 इयर्स तक का टाइम गया। फ्रॉम 1908 टू 1921 दिस वेरी टाइम दे टुक टू इन्वेंट दैट, टू डेवलप दिस वैक्सीन। देन बैक्टीरिया ऑफ लेप्रोसी की बात करें, लेप्रोसी डिजीज़ जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, काइंड ऑफ इन्फेक्शन जिस बैक्टीरिया की वजह से वो होती है, उसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इन्वेंट किया इस बैक्टीरिया को हैंसन ने, और इन्वेंशन हुई 1867 में। देन ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट, इसकी इन्वेंशन किसने की, डॉक्टर डेल्टन हेल विलियम्स ने। और फर्स्ट जो ओपन हार्ट सर्जरी परफॉर्म की गई वो 1893 में की गई इन अमेरिका। देन फादर ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी हम डेल्टन हेल विलियम्स को नहीं मानते, फादर ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी सी वॉल्टन लिली ही है। रीज़न सेम हो सकता है, सक्सेसफुल सर्जरी शायद वॉल्टन ने की, इन्हें फादर ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी कंसीडर किया जाता है। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की बात करें अगर हम, तो इन्वेंट किया इसे सेलमन वॉक्समैन ने, और इन्वेंशन की गई 1944 में। और इस इन्वेंशन के लिए 1952 में वॉक्समैन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। देन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिस्कवरी की गई फ्रेडरिक मेस्चर द्वारा, और डिस्कवरी हुई इन द ईयर 1868। देन अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें
तो ये इन्वेंशन की क्रिस्टिन बेनार्ड ने, और फर्स्ट जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, सर्जरी परफॉर्म की गई 1967 में। देन अगर हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के कॉन्सेप्ट को देखें, तो ये जो प्रोसीजर है इसे इन्वेंट किया रॉबर्ट जी एडवर्ड्स ने। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया या जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाया, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय और लुइस ब्राउन जो हैं वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, जो कि 25 जुलाई 1978 में यूके में बॉर्न हुए। ओके, सो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, सो बी केयरफुल व्हेन यू रीड द टेक्स्ट। देन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल ऑफ द सेल भी कहते हैं, उसकी डिस्कवरी हुई 1857 में, और डिस्कवरर कौन थे? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। ठीक है, देन अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें, वो क्रोमोसोम्स जिनसे ये स्पेसिफाई होता है कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, सेक्स डिटरमाइन होता है जिससे। सो इस सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की यूगिन स्टैनिक ने इन द ईयर 1642। देन स्पर्म सेल की बात करें तो डिस्कवरी की एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने इन द ईयर 1677 इंग्लैंड में। ओवम सेल की बात करें तो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर्ड ने की ये डिस्कवरी इन द ईयर 1827। देन थायरोक्सिन जो हार्मोन है, जो कि थायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट करता है, उसकी बात करें तो एडवर्ड कैल्विन ने डिस्कवर किया इसे इन द ईयर 1914। एंड कैंसर जो डिजीज़ है, इट्स डिस्कवर्ड बाय परसीवल पॉट और रॉबर्ट वेलबर्ग। अब यहाँ दो नाम होने का कारण आपको क्लियर करते हैं हम। द थिंग इज, कुछ सोर्सेज को अगर आप देखेंगे तो आपको रॉबर्ट वेलबर्ग एज डिस्कवर ऑफ कैंसर रिजल्ट में मिलेगा, बट द सोर्स ऑन विच आई रिलाई विकिपीडिया, उस पर परसिवल पॉट है। सो दिस यू मे चेक, और आप जिस सोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी नाम देख सकते हैं। ऑल दो आपको ये दोनों नाम याद रहेंगे तो भी बेटर है, बिकॉज एग्ज़ाम में ऑप्शंस देख के आप उस सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोनों तो आई डोंट थिंक दोनों ही नाम ऑप्शन में होंगे, सो ये आप गूगल कर लें एंड देख लें आप कौन से नाम को प्रेफर करेंगे। देन ये डिस्कवरी 1775 में हुई, और जो टर्म कैंसर है, जो भी डिजीज़ को डिस्कवर किया गया उसको टर्म कैंसर जो दी गई वो दी हिपोक्रेट्स ने। ठीक है, देन अगर हम एमीबा सेल की बात करें तो डिस्कवरी रॉसेल वॉन रोसेनहॉफ ने की इन द ईयर 1757। सो अगर हम किडनी मशीन की बात करें, जो कि डायलिसिस के प्रोसेस में यूज़ की जाती है, इन्वेंट किया इस मशीन को डॉक्टर विलियम कॉल्फ ने इन द ईयर 1943। देन अगर रैपिस जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती है हमारी बॉडी में, उनकी डिस्कवरी की लुईस पाश्चर ने इन द ईयर 1822। ठीक है, देन आर्टिफिशियल हार्ट एंड द फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट जो बनाया गया उसे जार्विक 7 नाम दिया गया था। सो आर्टिफिशियल हार्ट इन्वेंट किया विलियम जॉन कॉल्फ एंड रॉबर्ट जार्विक ने। सो रॉबर्ट जार्विक के नाम पे उस आर्टिफिशियल हार्ट का नाम रखा गया जार्विक 7। और फर्स्ट जो आर्टिफिशियल हार्ट इम्प्लांट किया गया वो इन द ईयर 1982 किया गया। देन अगर हम मेडिसिन एस्पायरिन या इसका दूसरा नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की बात करें, तो इसकी इन्वेंशन की फेलिक्स हॉफमैन ने इन द ईयर 1890। देन एटीपी टर्म अगर आपने साइंस में सुनी है, एडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इसकी डिस्कवरी की कार्ल लॉफमैन ने इन द ईयर 1929। तो एटीपी स्टोर हाउस की तरह आप कह सकते हैं, जो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। ठीक है, देन बैक्टीरियोफेज
की बात करें, ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. सो इसे बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है. सो इस बैक्टीरिया को सॉरी डिस्कवरी डिस्कवर किया फ्रेडरिक टॉवर्ट ने इन द ईयर 1950. एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरस जो बैक्टीरिया होस्ट के बैक्टीरिया को किल करता है या इन्फेक्ट करता है. और बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप गंगा रिवर के बारे में जानते हैं तो गंगा रिवर के वाटर पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि क्यों जो गंगा रिवर का वाटर है वो प्योर माना जाता है या क्यों वो बहुत टाइम तक स्टोर करने के बाद भी ख़राब नहीं होता है. सो दिस इज़ द रीज़न बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस उस वाटर में है जो कि जो भी बैड बैक्टीरियाज हैं या इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज हैं उन्हें किल कर देता है. देन अगर हम बायो कैटलिस्ट की बात करें तो इन्हें केमिकल रिएक्शंस को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो इसकी डिस्कवरी की जॉन्स जैकॉब बेरलिस ने. डिस्कवरी की गई 1835 में. देन ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो माइन्यूट ब्लड वेसल्स जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं उनकी डिस्कवरी की विलियम हार्वे ने इन द ईयर 1628. देन ब्लड कोगुलेशन की बात करें तो कोगुलेशन मीन्स आपको अगर कोई इंजरी हो जाती है तो कितने टाइम में आपका ब्लड कोगुलेट करता है, मीन्स जो आपकी ब्लीडिंग रुक जाना. ठीक है, सो दैट्स ब्लड कोगुलेशन. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया पॉल मॉरविथ्स ने इन द ईयर 1905. देन अगर हम ब्लड प्रेशर के कॉन्सेप्ट की बात करें कि ब्लड प्रेशर को मेजर किया जा सकता है तो ये सबसे पहले हमारे सामने लाया स्टीफन हेल्स ने इन द ईयर 1733. देन कीमोथेरेपी की बात करें जो कि कैंसर जैसी बीमारियों को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है थेरेपी, पॉल एनरिच ने इन्वेंट किया इसे इन अर्ली 1900s. ठीक है, देन क्लोरोप्लास्ट की बात करें जो कि प्लांट बॉडी का एक ऑर्गेनली है, फोटोसिंथेसिस में इसका रोल है क्लोरोप्लास्ट का. सो क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया एंड्रिस स्किम्पर ने इन द ईयर 1883. देन अगर हम कॉलरा बैक्टीरिया की बात करें, मतलब कॉलरा जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट कोच ने 1884 में. और रॉबर्ट कोच ने ही टीबी के की का जो बैक्टीरिया है उसे भी डिस्कवर किया था इन द ईयर 1882. देन अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस से हमारा मतलब है जब कुछ लोगों को कलर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है. सो ये जो प्रॉब्लम है इसे डिस्कवर किया वो जॉन डेल्टन ने इन 1803. देन सिटी स्कैन कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी. सो सिटी स्कैन आपको पता है टेस्ट है जो किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसे डायग्नोज करने के लिए. सो सिटी स्कैन इन्वेंट किया सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने इन द ईयर 1967. एंड अनदर टेस्ट ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मैकेनिज्म की बात करें तो इन्वेंशन की विलियम एंथोविन ने, जिन्हें की फाउंडर एंड फादर ऑफ मॉडर्न ECG भी कहा जाता है. और इन द ईयर 1895 ये इन्वेंशन की गई. वो 1924 में विलियम एंथोविन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फॉर दिस इन्वेंशन. देन फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात करें तो ये पहली वायरल डिजीज़ डिस्कवर की गई थी इन एनिमल्स. डिस्कवरी की फ्रेडरिक लॉफर ने इन 1897. लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो सॉरी कॉज ऑफ डिजीज़ की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से ये डिजीज़ हुई, उसे डिस्क्राइब किया थॉमस हेनरी फ्लूविट ने इन 1957. देन हीमोफीलिया की बात करें तो ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ह्यूमन बींग्स में ब्लड जो है वो
नॉर्मल टाइमिंग पे क्लॉट नहीं होता, लाइक नॉर्मल टाइमिंग होती है 2 to 8 minutes, उससे उतने टाइम में जिनका ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो हीमोफीलिया की प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। सो ये स्टडी हीमोफीलिया को स्टडी और पब्लिश किया जॉन कोनार्ड ऑटो ने अपने एक आर्टिकल में जो कि पब्लिश हुआ था 1720 में। सो अगर हम किडनी मशीन की बात करें जो कि डायलिसिस के प्रोसेस में यूज़ की जाती है, इन्वेंट किया इस मशीन को डॉक्टर विलियम कॉल्फ ने इन द ईयर 1943। देन अगर रैपिस जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में, उनकी डिस्कवरी की लुईस पाश्चर ने इन द ईयर 1822। ठीक है, देन आर्टिफिशियल हार्ट एंड द फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट जो बनाया गया उसे जार्विक 7 नाम दिया गया था। सो आर्टिफिशियल हार्ट इन्वेंट किया विलियम जॉन कॉल्फ एंड रॉबर्ट जार्विक ने। सो रॉबर्ट जार्विक के नाम पे उस आर्टिफिशियल हार्ट का नाम रखा गया जार्विक 7। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो ये डिस्कवरी की सेलमन वॉक्समैन ने इन द ईयर 1943। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो एक ज़रूरी चीज़ की देखिए, आपका रिस्पॉन्स जो रहेगा इस वीडियो को लेके, उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक की लानी है या हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। सो प्लीज़ डू रिस्पॉन्ड, आप हमें रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम कुछ और इन्वेंशंस और डिस्कवरीज देखेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। बट अगर आपको लगता है कि दिस वेरी लाइक दो वीडियोस काफ़ी हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, सो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो डू लेट अस नो आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स में, हमसे शेयर करें कि आप कैसे चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर यही टॉपिक कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक पे।